सहमत है, लेकिन जो दोषी हैं उनको किसी भी सूरत में बचने नहीं देंगे, चाहे फिर सरकार का नेता कोई भी आ जाए। लेकिन लेकिन हम लोग इस मामले में, मोदी कई बार आ चुके हैं, अब तक भी जो पूरी जो परिवार की जो डिमांड है पॉइंट टू पॉइंट, चाहे वो एसएसएस लाइसेंस को लेकर हो और चाहे वो डीएम साहब ने उस दिन इसमें तत्काल आदेश किया था सभी लोगों को कि इनके जो है ना आवास की व्यवस्था ये यहाँ पर जिले में कराई जाए, वहाँ पर दहशत का माहौल है वो भी अब तक नहीं हो पाई, और जो जो क्या नाम है परिवार को जो पेंशन मिलनी थी वो भी अब तक नहीं हो पाई। तो मोदी कहना चाहते हैं कि पहले तो हम ये सोच रहे थे कि डीएम साहब भी और जो प्रशासन है वो गंभीरता से कार्रवाई कर रहा है, लेकिन अब हमें ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशासन भी जो है वो सरकार के दबाव में है और सरकार के दबाव में और चाहते हैं कि आखिर प्रशासन और शासन का न्याय का जो फोटो खींचने का समझ नहीं आ रहा कि आज तक अपनी शांति बनाए रखो। परिवार की जो घर की व्यवस्था है वो एक मिनट तक, जो यहाँ पर जिले में जो घर की व्यवस्था होनी थी वो नहीं हो पाई क्योंकि वहाँ पर परिवार नहीं रह पाएगा, वहाँ दहशत का माहौल है, कल फिर गोली कोई चला देगा तो हम परिवार को अपने क्या जवाब देंगे। और तीसरी बात ये कि पेंशन अब तक नहीं बन पाई, तो महोदय हम ये चाहते हैं कि इसका जो है ना निवारण किया जाए, समस्या का जो हल चाहते हैं हम लोग, हमें बार बार आने का कोई शौक नहीं है और हम किसी निर्दोष व्यक्ति को जेल में नहीं डलवाना चाहते, हम ये चाहते हैं कि न्याय जो दोषी है उन पर कार्रवाई हो। और दूसरी बात ये जो पार्षदों को हमारे पीटा गया है ये सरकार हमेशा नहीं रहेगी, जो लोग इस प्रकार से कर रहे हैं वो लोकतंत्र में भरोसा नहीं रखते, अगर आप लोग भी अगर उनका समर्थन करेंगे या उनको बचाने का प्रयास करेंगे तो कल वो हमारे अधिकारों पर हाथ उठाएंगे, फिर क्या करेंगे आप बताओ एडीएम महोदय, आप ही अगर वो ऐसे सत्ताधारी लोग, एक मिनट सुनिए, अगर सत्ताधारी लोग सत्ता के नशे में आकर हमारे अधिकारियों पे भी अगर ऐसे सत्ताधारी लोग सत्ता के नशे में आकर आज वो जिम्मेदार लोगों पर, सामाजिक लोगों पर हाथ उठा रहे हैं, कल वो अधिकारियों को पीटेंगे फिर क्या करेंगे आप लोग बताओ, ये तो गलत है ना। हम ये चाहते हैं कि सरकार काम करने के लिए, विकास करने के लिए होती है और देश में एक लोकतंत्र की व्यवस्था है, लेकिन जिस प्रकार से एडीएम महोदय ये जो किया जा रहा है ये संवैधानिक प्रक्रिया कोई नहीं है, पार्षदों को मारा जा रहा है और बेटा आपकी क्या नाम है वो क्या क्या पूरी पॉइंट टू पॉइंट बताओ, क्या आपको सशस्त्र लाइसेंस मिल गया है और आपको आवाज बेटा मैं आपसे पूछ रहा हूँ सुनो मैंने मेरी फोन आप आज कह रहे हैं जाने दो, अब क्या कर रहे हैं गाँव जाने की बात कर रहा हूँ। अच्छा वही तो कह रहे हैं मोदे, मैं वही कहने वाला था आप लोग यहाँ पेंशन मिली, पेंशन होगी आपकी बंदी, सुनो भाई मेरी बात सुनो, आप आज आए हो कितने दिन में, हम तो चार बार आ चुके हैं इस मामले में, हम 40 बार, तो क्यों नहीं हो पा रहा 40 बार परि... सुनो सुन तो लिया, 40 बार वार्ता किया हूँ अच्छा परिवार से समाज से 40 बार मिनिमम, आप लोग आज आए हो, शस्त्र लाइसेंस 1.5 महीना पहले मैंने दे दिया, ये डीएम साहब ने बोला था कि शस्त्र भी हमें दिलवाए, दिलवाए जी बोला था नहीं बोला था हमारे पास है बताएंगे, हाँ वही तो कह रहे हैं सुनते चल, गिरफ्तारी 7 लोगों की, गैंगस्टर हो गया, चार्जशीट दाखिल हो गई 7 लोगों की गैंगस्टर, और तीसरी चीज लो पुलिस वाले बदतमीजी कर रहे हैं उनके साथ, अगर कुछ भी हो गया ना, हाँ तो भाई हम जिम्मेदार हैं, छोड़ने के लिए नेता बात, एक मिनट सब लोग शांति बनाए रखें, आपको मैं दिखा रहा हूँ मेरठ के कमिश्नर कार्यालय से
जहां पर आज के लिए कॉल किया गया था और आप देखिए कितनी भारी संख्या में बहुजन समाज के लोग आज यहां पहुंचे हैं। युवा शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि गौतम और मुकेश सिद्धार्थ, चूँकि वो जेल में है तो उनके बेटे भी यहां पर मौजूद आए, जानने की कोशिश करेंगे क्या अपडेट है इस पूरे मामले में। यहाँ बैठे करो फ्रंट पे, भैया हम यहाँ बैठे लुंडार को खड़े रहने, तुम बैठे करो। अभी तक की फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। ऐसा हुआ था कि जब उन्हें जेल में डाला गया, उन्हें दिल्ली से लाया गया, जब दिल्ली में उनकी जो है परसों रात 10 बजे गिरफ्तारी हो गई थी, उसके बाद उन्होंने वहां से उन्हें गायब कर दिया। हमारी कोई मुलाकात अगले दिन 12 बजे तक भी कोई मुलाकात उनसे हुई नहीं मंत्री जी से, और वो जो है गायब रहे। उसके बाद हमने उनकी जब वो पेशी पे लाए कोर्ट में, जब वो पेशी पे कोर्ट में लेकर आए तो हमने उनकी लोअर कोर्ट में जमानत अर्जी डाली, और उस जमानत अर्जी में लगभग सैकड़ों समाज के अधिवक्ता वहाँ बिना बुलाए पहुँचे और उन लोगों ने मुकेश सिद्धार्थ को रिहा करने की बहुत मजबूत मांग उठाई, लेकिन शासन प्रशासन के दबाव में मजिस्ट्रेट ने वो बेल खारिज कर दी। उसके बाद हम गए सेशन में, सेशन में पहुंचने से जस्ट पहले पुलिस को इतनी जल्दी थी, पुलिस ने तुरंत उन्हें मोटरसाइकिल पर बिठाया मुकेश सिद्धार्थ जी को और तुरंत जेल में डाल दिया। इतने ही हमने अंतरिम बेल डाल दिया, हमारी अंतरिम बेल सेशन पहुंची और वो हमें मिल गई, बेल का ऑर्डर हमारे पास आ गया और बेल के ऑर्डर के साथ साथ परवाना जो है वो जेल पहुँच गया। लेकिन प्रशासन का फिर इतना दबाव हुआ, DM को पता चला, यहाँ के मंत्री को पता चला, जिस मंत्री के बारे में सारा मामला हुआ था जिसने दलित को पिटाई करी थी, दलित पार्षदों की, उन लोगों ने मिलकर षड्यंत्र के तहत उन्होंने परवाने तक को कैंसिल करा दिया, परवाने पे स्टे लिया है, जमानत पे स्टे लिया है। हम लोग सैकड़ों लोग हजारों की तादाद में जो है हम जेल पहुंचे उनकी रिहाई के लिए। जेल प्रशासन ने हमें सीधी बात कुछ नहीं बताई, हमें पूरी रात गुमराह रखा गया करा गया, हम 12 बजे तक वहाँ जेल पर रहे और आज भी हम जो है कोर्ट में गए थे सुबह, अभी तक भी जो है कोई अपडेट हमें ढंग से बताई नहीं जा रही है, लगातार चीज़ों को छुपाया जा रहा है। दिल्ली तक ये शोर मच रहा है कि आज का प्रदर्शन खारिज हो गया है, दोनों सभासदों ने माफी मांग ली है। देखिए ये जो धरना है ये सिर्फ पार्षद का नहीं है, ये पहले से महापंचायत चल रही थी, जो हमारे समाज के मुख्य मुख्य लोग हैं गांव-गांव जा रहे थे। इंदु शेखर की हत्या हुई थी जिसको लगभग 2.5-3 महीने हो गए हैं, अभी उस परिवार को न्याय नहीं मिला, तो उसके लिए थी। उसी बीच में एक घटना और घट गई जो दलित पार्षदों को पीटा गया, और दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस पार्टी के पार्षद पिटे उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। ये तो समाज की ताकत है, जो पार्टी से नहीं समाज की एकता चलती है, उसको लेकर के हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और उसके बाद दुर्भाग्य की बात ये देखिए, जो मंत्री हमारे समाज के पार्षदों पे, चाहे वो किसी पार्टी से हो, उन पे चांटे बजा रहा है, उन पे तो कार्रवाई हुई नहीं आज तक। और उसके बाद में किसी, अगर हमारे समाज के एक मुखिया ने ये कह दिया कि अगर हमारी नहीं सुनी जाएगी, जब हमारे रेप होंगे, बलात्कार होंगे, मूछें काटी जाएंगी, हमें जो हमारी मजदूरी को लेकर के हत्या कर दी जाएगी, तो जो लोग प्रशासन में बैठे हैं जब वो न्याय नहीं करेंगे, उल्टा हमें मारेंगे पीटेंगे, तो हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो हमारे एक मजबूत साथी को जेल भेजना काम किया जिनका नाम मुकेश सिद्धार्थ है, तो ये कौन सा लोकतंत्र है? मतलब हमारे कहने पे शांति भंग हो जाए, और जो पीट रहे हैं बीच चौराहे पर पे, पुलिस के सामने पीट रहे हैं, प्रशासन जो सरकार के मंत्री पीट रहे हैं, उन पे कौन सी कार्रवाई होगी? उस पे तो आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आगे की रणनीति क्या है? अभी हम लोग यहाँ इकट्ठा होकर के, हम अभी सिद्धार्थ जी पे जो मुकदमा लगाया गया है वो बेबुनियाद है, वो झूठा है। उस मुकदमे हमने उसकी पुष्टि करते मीडिया ने क्या चलाया, ठीक है, उसके लिए हम ज्ञापन देंगे। और जो इंदु शेखर का मामला है उसमें हम दो बार DM साहब से मिल चुके हैं, जो मीणा जी हैं उस पर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, अभी भी अपराधी फरार हैं। और जो एक मदद की जाती है परिवार की, वो किसी बाप का पैसा नहीं है, वो मेरे बाप का, भाव साहब के संविधान का पैसा है, जो हम मदद मांग रहे हैं आर्थिक रूप से, जो हम लाइसेंस मांग रहे हैं, जो हम सुरक्षा मांग रहे हैं, जो जमीन के पट्टे मांग रहे हैं। ये घटना लगभग दिवाली की है, लगातार 90 दिन हो गए, इनसे चार्जशीट तो लगी नहीं उस मुकदमे में, 20 दिन का क्या समय मांग रहे हम ये लोग? तो ये सिर्फ खाली इस महापंचायत को तितर बितर करने के लिए कर रहे हैं। अभी हम लोग इकट्ठा होकर के अभी हम पहुंचेंगे DM साहब के ऑफिस में, और वहां DM साहब से बैठ के बात करेंगे कि जब प्रशासन का व्यक्ति जिले का मुखिया होता है DM, अगर 20-20 दिन मांगेगा तो 90 दिन तो हम दे चुके, तो आप एक काम कीजिए, हमारी हत्या करा दीजिए सभी दलितों की,
अभी डीएम साहब को इतना पता है, अभी मेरी तहसील में मवाना में एक परिवार जो है न्याय नहीं मिला, वो बेचारा आत्मदाह करना पड़ गया उस परिवार को मवाना में। ना किसान की सुनवाई होती है, ना रोजगार जो युवा मांग रहे हैं उनकी सुनवाई होती है। और यहाँ तक कि ये देखिए 90 दिन इंदुशेखर के न्याय नहीं मिला, और एक मंत्री चांटा मार देता है तो तुरंत उसको न्याय दिलाने के लिए हमारे एक मंत्री को जेल भेजने काम के जो पूर्व मंत्री रहे। मुकेश सिद्धार्थ जिस पार्टी के होंगे होंगे, उससे पहले वो हमारे परिवार के हैं, हमारे समाज के हैं। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, एक एक विधायक ने, मेट के एक विधायक ने बयान दिया मुकेश सिद्धार्थ को कि वो भाजपा के हैं, और वो बयान भाजपा का है। तो ऐसे विधायक भी अपनी जवान पे लगाम लगाएं क्या? 5 आदमी आकर के दलितों की राजनीति करते हैं, वो सिर्फ जय भीम कही, और हमारा भोला भाला समाज उनके फेवर में आता है। तो मेरी उम्मीद आप लोगों से भी है कि जो लोग 5-5 लोग आकर के हमारे समाज में जय भीम कहते हैं और फिर हमारे लोगों पे लांछन लगाते हैं, वो अखबार आपने पढ़ा होगा जो 6 तारीख को दिया गया, 7 तारीख छपा है। तो अभी हम लोग शांति तरीके से डीएम ऑफिस चलेंगे, अपना जो मांग पत्र देंगे, और जो हिंदू परिवार के लोग हैं वो भी हमारे साथ चलेंगे।